नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बरसात से पहले इतने हजार कुओं का होगा जीर्णोद्धार। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब नहीं होगी दवाइयों की किल्लत। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकार अब करेगी आपके इलाज के लिए भुगतान। बिहार में महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत चार पर मुकदमा दर्ज। बिहार में अब हवाई यात्रा हुई महंगी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना ने निकाली रिक्तियां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना ने परियोजना प्रबंधक तकनीकी, कनिष्ठ सहायक परियोजना अनुसंधान सहयोगी RA, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के कुल मिलाकर चार पद पर आवेदन की मांग की है। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख पदों के हिसाब से अलग अलग है। ऐसे में अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.iitp.ac.in पर जाकर सारी जानकारी लेकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। बरसात के पहले इतने हजार कुओं का होगा जीर्णोद्धार। भारत में मॉनसून की एंट्री हो गई है, लेकिन अब बिहार में मॉनसून की पहली बारिश आने में समय है। ऐसे में सरकार के पास भी बिहार को डूबने से बचाने का पर्याप्त समय है। हालांकि हर साल की भांति इस साल बिहार ना डूबे, इसको लेकर योजनाएं बना ली गई हैं, जिसके तहत ही अब बिहार के सभी पंचायतों में मौजूद कुओं का जीर्णोद्धार करने की तैयारी हो रही है। योजना के अनुसार बरसात के पहले सभी चिन्हित सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कर दिया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभाग द्वारा कुओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 20,000 कुओं को चिन्हित किया गया है। वहीं जिलों में आई रिपोर्ट के अनुसार जिलों से 20,000 से अब 7,150 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया है, और जो नहीं हुआ है उसे अब जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर बस जाओ, हम आपको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि यहां गंगा है, यहां काशी है, यहां बालाजी का मंदिर है, यहां से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना, जिसके कारण ही उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। उनकी ये भक्ति देश प्रेम को भी दर्शाती है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते थे। पटना गया डोबी NH को इस समय तक पूरा करने का जारी हुआ आदेश। बिहार में नेशनल हाईवे की संख्या बढ़ाने में बिहार की नीतीश सरकार लगातार लगी हुई है। इस बीच अब बिहार में अच्छी सड़कों के इस संकल्प को और सुदृढ़ करने के लिए पटना हाईकोर्ट भी आ गया है, जिसके तहत ही बीते दिन हुए सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी NH को किसी भी हाल में इस समय तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत ही अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का निर्देश जारी हुआ है। पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश NH निर्माण में लगी कंपनी को दिया है। वहीं राज्य सरकार को 2 से 4 सप्ताह के भीतर सड़कों के निर्माण के लिए बाधा मुक्त भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सभी हितधारकों के अधिवक्ताओं, NHAI और NH निर्माण कंपनी के अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने और इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब नहीं होगी दवाइयों की किल्लत। बिहार के किसी भी संस्थान के आगे सरकारी नाम जुड़ जाए तो उसकी बदहाल स्थिति ही नजर आती है। ऐसा ही हाल बिहार के सरकारी अस्पतालों का है। कहने को ये सरकारी अस्पताल होते हैं, लेकिन यहाँ की सुविधा बेहद ही खराब होती है, जिसमें से एक आम शिकायत दवाइयों की किल्लत को लेकर सामने आती रही है, जिस पर ही अब ये दावा किया गया है कि आने वाले समय में बिहार के सरकारी अस्पतालों में कम से कम दवाओं की किल्लत नहीं होने वाली है, क्योंकि अब राज्य की सरकारी अस्पतालों में हर 3 महीने पर दवाओं की आपूर्ति करवाने का निर्देश जारी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने 2021-22 में स्वीकृत नई अधियाचना नीति को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया है। अधियाचना नीति के तहत जिलों के दवा भंडार गृह की सेवाओं को बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के अधीन कर दिया गया है। ज्ञात हो विभाग ने ये कवायद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के इरादे से उठाई है। बिहार के इन जिलों में जल्द ही बनेगा लॉजिस्टिक्स पार्क। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में उद्योग और कारोबार को विकसित करने का काम कर रही है, जिसके तहत ही अब बिहार की राजधानी पटना के बिहटा और फतुहा सहित रक्सौल में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। योजना के अनुसार बिहटा में करीब 100 हेक्टेयर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। इसके लिए जमीन भी चिन्हित किए गए हैं, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। इसको लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने रणनीति भी तैयार कर ली है।
लॉजिस्टिक नीति के अनुसार अब बिहार में समय पर कच्चा माल पहुंचेगा और तैयार उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। सबसे खास बात यह होगी कि सरकार के इस पहल से बेरोजगारी का दंश झेल रही बिहार की जनता के बीच रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया था, जिसको लेकर इन्होंने साफ कहा था कि राज्य में विकास के लिए लॉजिस्टिक पार्क और सड़क किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनना ही चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकार अब करेगी आपके इलाज के लिए भुगतान। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा की कोई कमी ना हो, इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार खूब काम करती आई है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। सरकारी कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं का खास ख्याल रखने वाली बिहार सरकार अब इनके इलाज में भी भागीदारी बनने वाली है। नए आदेश के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में एक दिन के इलाज के खर्च का भी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए भर्ती होने की तारीख और डिस्चार्ज की तारीख और इलाज की विवरणी के साथ डिस्चार्ज टिकट समर्पित करना होगा। उम्मीद है कि सरकार की इस नई योजना से करीब 4.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसको लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली, सड़क संपर्कता में भी रफ्तार। एक समय था जब ऐसी बातें हुआ करती थी कि बिहार में जब घरेलू उपयोग के लिए बिजली नहीं है तो फिर उद्योग की बिजली की बात तो भूल ही जाइए। जब बिजली नहीं तो फिर उद्योग कहाँ से लगेंगे, और एक आज का समय है जब बिजली की उपलब्धता इस तरह है कि वो उद्योगों के लिए पर्याप्त है। एक समय वो भी था जब 2012-13 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 145 किलोवाट आवर थी, जो 2019-20 में 332 किलोवाट आवर हो गई। इस तरह से सड़क की संपर्कता अब हर गांव तक है। गांव की सड़क को अब हाईवे की संपर्कता है। बिहार सड़कों के नेटवर्क की स्थिति की बात करें तो आंकड़ा ये है कि साल 2020 में यहां एनएच का नेटवर्क 5475 किलोमीटर का था, जो कि 2005 की तुलना में 1940 किलोमीटर अधिक है। बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू को मॉरिशस में मिला विश्व हिंदी सम्मान। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका और लेखिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को बीते दिन मॉरिशस का हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा विश्व हिंदी प्रतिष्ठापक सम्मान प्रदान किया गया। मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान की निदेशक विद्योत्मा कुंजल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सम्मान समारोह में हिंदी प्रचारिणी सभा मॉरिशस के अध्यक्ष डॉक्टर यंतु देव बुद्ध, डॉक्टर माधुरी रामधारी, डॉक्टर अलका धनपत, डॉक्टर राजरानी गोविंद समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा मुंबई के सचिव प्रोफेसर प्रदीप सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल जाजोदिया यथार्थ सहित हिंदी के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान भी मौजूद थे। अब ट्रेन में फिर से यात्रियों को करना होगा कोरोना के नियमों का पालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना के मामलों में जारी उतार चढ़ाव के बीच अब एक बार फिर से रेल यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की फिर से वापसी हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से अब रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसको लेकर ही गृह मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों जारी कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल के मद्देनजर रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया गया है। इसके तहत स्टेशन या ट्रेन में प्रवेश या फिर निकासी के समय फेस कवर या मास्क लगाने की सलाह दी गई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 5 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी शक। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के समापन की खबर उस वक्त दुख का कारण बन गई जब ये खबर फैली कि पेपर लीक हो गया है। फिर क्या था, सरकार की तो किरकिरी हुई ही, साथ ही छात्रों का मनोबल भी अब टूट गया है और देश भर के मीडिया का ध्यान इसने अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसके बाद ही सरकार भी अब जोर शोर से आरोपितों को ढूंढने में लगी हुई है। इस बीच जो नई जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार बीपीएससी पीटी के पेपर लीक मामले में 5 जिले शक के दायरे में है। एसआईटी का शक 5 जिलों में परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटरों पर है। भोजपुर के अलावा नवादा, भागलपुर, वैशाली और रोहतास के किसी सेंटर में पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के इतने लाख आईटीआई छात्र छात्रवृत्ति से है वंचित। बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को वैसे तो छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, लेकिन अफसोस इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा फीस तय नहीं किए जाने के कारण हर साल 2 लाख से अधिक सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई के छात्र इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। हालांकि अब इन सब के बीच विभाग से एक बार फिर आईटीआई संचालकों ने फीस तय करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके। बिहार में ही यह समस्या है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों जैसे ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र ने अपने अपने राज्यों में प्राइवेट आईटीआई का प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया है। इससे इन राज्यों में छात्रवृत्ति का रास्ता साफ हो गया है और इनकी राशि में एकरूपता भी होगी। पटना समेत इन जिलों में चली धूल भरी आंधी।
भरी गर्मी के बीच राजधानी वासियों को बारिश की बूंदों ने बीते दिन राहत दी है। सुबह से उमस भरी गर्मी के बीच अचानक से दोपहर 2 बजे के बाद बादल छा गए और फिर क्या था, कुछ इलाकों में खूब बारिश हुई तो कुछ इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण, जमुई, मधुबनी, मुंगेर, सुपौल, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, पटना, लखीसराय, बांका जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इन्हीं जिलों में मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में तेज हवा जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर पर आर हो सकती है, साथ ही कुछ जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि दक्षिण बिहार में पटना सहित अन्य जिलों में भी दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। ऐसे में यह साफ है कि हवा का प्रवाह भी अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। रोहतास के मांझर कुंड और धुआं कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड और धुआं कुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने और प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझर कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वही मांझर कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। ये स्थान युवा एवं सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद के रविवार को यहां लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। बूंद बूंद पानी के लिए कहीं तरस ना जाए बिहार के लोग। बिहार में जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से अब भीषण जल संकट भी देखने को मिल रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की तरफ से गंगा के सीमाई क्षेत्र में जलाशयों पर किए गए एक शोध में इसका दावा किया गया है। जारी किए गए रिपोर्ट में राज्य में शुष्क और बंजर क्षेत्र में नहीं गंगा के मैदानी इलाकों में भी जलाशयों के सूखने का रिकॉर्ड बन गया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे करीब 35% जलाशय सूख गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के 41%, पश्चिम बंगाल के 17%, उत्तराखंड के 84%, बिहार के 35% और झारखंड के 16% जलाशय सूख गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी घाटी के इन 5 राज्यों में औसतन करीब 38% जलाशय सूख गए हैं। बिहार में जल्द ही सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, होगी इतने हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहद ही बेहाल है, लेकिन फिर भी बिहार की नीतीश सरकार इस कोशिश में जरूर लगी है कि किसी भी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इसी कड़ी में अब जल्द ही बिहार में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तकनीकी सेवा आयोग को अपनी अनुशंसा भेज दी है। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं स्थानीय नियुक्तियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी भी दी गई है। ज्ञात हो सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के 8,034 रिक्त पदों और ओटी असिस्टेंट के 1,096 पदों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कुल 9,130 रिक्त पदों को जल्द ही भरने की तैयारी हो रही है। बिहार में अब हवाई यात्रा हुई महंगी। अगर आप भी आने वाले दिनों में पटना से हवाई जहाज के सफर करने वाले हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि अब पटना से सफर करने वाले यात्रियों को हवाई टिकट के दाम में 10% तक की वृद्धि की गई है। ऐसे में अब यात्रियों को हवाई सफर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जेट फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर हवाई टिकट की कीमत पर पड़ने लगा है। कई एयरलाइंस कंपनियों ने पहले टिकट के दाम 5% से लेकर 10% तक बढ़ा दिए हैं। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, रांची और कोलकाता जाने में हवाई किराए में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और गुवाहाटी की हवाई किराए में 10% तक बढ़ोतरी हुई है। पटना के आईबी ऑफिसर की हैदराबाद में गई जान, उपराष्ट्रपति कार्यक्रम की सुरक्षा जांच के दौरान हादसा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सुरक्षा जांच पटना के आईबी ऑफिसर के लिए काल का गाल बन गई। आज होने वाले उपराष्ट्रपति की बैठक से पहले बीते दिन तेलंगाना पुलिस और आईबी की टीम संयुक्त रूप से यहां उस ऑडिटोरियम की सुरक्षा जांच कर रही थी। इसी दौरान पटना के आईबी ऑफिसर कुमार अमरीश सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो मंच से नीचे गिर गए, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उनकी जान चली गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमरीश आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर काम करते थे। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ज्ञानवापी मामले में जहां भिड़ी एनडीए, तो वहीं नीतीश कुमार ने सवाल से किया किनारा। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद की आंच अब बिहार में भी आ गई है। यही कारण भी है कि बिहार में इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है, जहां एनडीए के ही जामा खान और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इस मामले में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए।
वहीं इस मामले में नीतीश कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कन्नी ही काटी। बीते दिन जब पत्रकारों ने ज्ञानवापी मामले पर नीतीश कुमार की राय जाननी चाही तो इस सवाल से कन्नी काटते उन्होंने कहा कि इसमें क्या कोई राय देगा, आप अपनी ही राय रखिए। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू की तरफ से अनिल हेगड़े के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने उक्त बातें कही हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव को मिली राहत। जा प्रमुख पप्पू यादव को बीते दिन दो मामले में बड़ी राहत मिली है। दो अलग अलग मामलों में पूर्णिया की अदालत पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। ये दोनों जमानत ACJM दिव्य प्रकाश ने पूर्व सांसद के वकील मुरारी चौबे की दलीलें सुनने के बाद दी। इन दोनों मामलों में से एक मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा था। इसके लिए रूपौली थाने में 24 अप्रैल 2009 को कांड संख्या 38/9 के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा मामला बनमनखी थाना कांड संख्या 82/13 से जुड़ा था। इस मामले में पूर्व सांसद पर नाजायज मजमा लगाकर मारपीट करने और रंगदारी टैक्स वसूली को लेकर दर्ज था। जदयू नेता RCP सिंह ने नेहरू के खिलाफ दिया तीखा बयान। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने बीते दिन जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से किए जा रहे दावों को दोहराते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस संगठन में बहुत कम समर्थन के बावजूद ये पद मिला था और ये हमारी पहली गलती थी। इसके साथ ही कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान लेने की खबर जानबूझकर कई घंटे बाद बताई गई ताकि उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें RCP सिंह ने उक्त बातें वंशवादी राजनीतिक दलों के खतरे पर एक संगोष्ठी के दौरान कही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के समुद्र मार्ग के खोज के बाद पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को द गामा कालीकट तक 1498 में पहुंच गए। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने 20 मई के दिन ही किनेटोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप पेश किया। आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन रेडविंग में पहली बार हाइड्रोजन बम को प्रशांत महासागर के बिकिनी एटोल नामक जगह पर गिरा दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह जी को देश में अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक सुधार के लिए आज ही के दिन यानी 20 मई को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुने जाने संबंधित घोषणा की गई थी। बिहार में महानायक अमिताभ बच्चन शाहरुख खान समेत चार पर मुकदमा दर्ज। बीते दिन बिहार के मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अजय देवगन और रणवीर सिंह पर पान मसाला का प्रचार करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यह केस दर्ज कराया है। इस मामले की सुनवाई 27 मई को होगी। सामाजिक कार्यकर्ता इन फिल्म स्टार्स द्वारा किए जा रहे पान मसाला के विज्ञापन से काफी आहत है। तमन्ना हाशमी ने कहा है कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अजय देवगन और रणवीर सिंह अपने स्टारडम और पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो गुटखा का प्रचार करते हैं। अब कोई नहीं पढ़ पाएगा पर्सनल व्हाट्सएप चैट। बातचीत करने के लिए और जुड़े रहने के लिए दुनिया भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है, लेकिन कुछ चैट ऐसी होती है जिन्हें हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कुछ चैट ऐसी भी होती है जिन्हें आप ना सेव करना चाहते ना ही हटाना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप चैट को छिपाकर या फिर आर्काइव कर सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन व्हाट्सएप अपने यूजर को एक आर्काइव चैट फीचर प्रदान करता है जो यूजर को बातचीत को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए अपनी चैट लिस्ट में किसी व्यक्ति या ग्रुप चैट को छिपाने की अनुमति देता है। IPL के 67वें मैच में बैंगलोर ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने RCB को 169 रनों का टारगेट दिया था। बैंगलोर के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके बल्ले से 54 गेंद में 73 रन निकले। वहीं कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने 44 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 18 गेंद में 40 रन बना दिए। गुजरात के लिए दोनों विकेट राशिद खान ने लिए। खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने मैच में शानदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 54 गेंद में 73 रनों की शानदार पारी खेली। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट 135.18 का रहा। विराट ने सिर्फ 33 गेंद में अर्धशतक जोड़ा था। IPL 2022 में RCB के पूर्व कप्तान के बल्ले से दूसरी 50 निकली। इस सीजन विराट ने अपना पहला अर्धशतक भी गुजरात के खिलाफ बनाया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, कल्याणी चौधरी, कृष्ण कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, मुकुंद टेक संजीत, नीतीश कुमार, ध्रुव कुमार, सत्येंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।